हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं फिश करी। तो चलिए शुरू करते हैं। सरसों में दोस्तों लहसुन डाल के पीसना है। तेल हल्का सा गर्म हो चुका है, फिर हम उसमें डालते हैं टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम उसमें जो सरसों और लहसुन का पेस्ट है वो हम डालेंगे। उसको हम चलाएंगे थोड़ी देर, उसके बाद हम उसमें डालते हैं मसाले। जो मछली की ग्रेवी होगी उसमें हम आलू को इस लंबाई के आकार में काटते हैं दोस्तों। जब मसाला हल्का हल्का पकने लगेगा तो आलू हम उसी में डाल देते हैं, तो मसाला और आलू दोनों एक साथ पक जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि आलू पक चुके हैं, इस तरह दिख रहे हैं। और फिर हम उसमें डालेंगे अपनी सुविधानुसार पानी। दोस्तों किसी किसी के यहाँ ये जो फिश करी होती है वो प्याज और लहसुन के पेस्ट में बनती है, पर हम जो बना रहे हैं वो सरसों और लहसुन का पेस्ट है। मछली फ्राई करने के लिए दोस्तों हम हल्दी और नमक का पेस्ट तैयार कर लेते हैं, मतलब उसको मिला भी सकते हैं अच्छे से, या फिर उसको एक एक मछली में हल्दी नमक लगा के आप फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ हम फिश को फ्राई कर रहे हैं दोस्तों, और धीमे धीमे उसको पलटना। अगर आप इससे पलट नहीं पाते तो आप चिमटे का भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।